अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि फास्ट बॉलिंग की टिप्स दें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुज्तबा सलीम और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मुजी। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग टिप्स दूँ, फास्ट बॉलिंग टिप्स दूँ, ताकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि फास्ट बॉलिंग की टिप्स आप बता दें। तो मैंने काफ़ी टाइम से रोकी हुई थी क्योंकि बैटिंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट है, उसकी भी काफ़ी आई थी। तो मैंने कहा एक दफ़ा एक सेक्शन थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, मेरी काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी है बैटिंग की। तो आज है फास्ट बॉलिंग टिप्स, कोशिश करूँगा कि बेसिक्स उसी को सारा डिस्कस करें, ठीक है। बेसिक्स से लेकर आगे चल के हम एडवांस लेवल पर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक्स हैं और आप जो देखने वाले होंगे यू माइट बी अ गुड फास्ट बॉलर, ठीक है। तो लेकिन ये जो ड्रिल्स हैं, ये जो बेसिक्स हैं, ये जब तक ठीक नहीं होंगी आपका बॉलिंग में वो पेस और रिदम नहीं बनेगा। अगर आप अच्छी बॉलर हैं देन यू आर गुड टू गो। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कोई पॉइंट रह जाए तो माजरत, ठीक है, पीछे ना पड़ जाकर यार, मैं भी इंसान, गलतियां मुझसे भी होती हैं यार, ऐसा ना किया करो। तो फास्ट बॉलिंग टिप्स हैं, तो बेसिक्स हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने तो लिखी हुई है वो लिखी हुई है बॉलिंग एक्शन। अब बॉलिंग एक्शन ही मेन चीज होता है। अगर एक बॉलर को आप चेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो कैसा बॉल स्पिनर है, फास्टर है, जो भी है, ठीक है, आप अगर एक वो अच्छा बॉल करता है, अगर रिदम से करता है कि आप कहते हैं यार इसका बॉलिंग एक्शन बड़ा फिट है, इसकी पेस बड़ी तेज है, ठीक है। तो मेन चीज हम जो फोकस करते हैं ना वो बॉलिंग एक्शन। अगर आपका बॉलिंग एक्शन ही ठीक ना हो, उसमें चंद इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। जैसे वो इंप्रूव हो जाए आपका बॉलिंग एक्शन अगर अच्छा हो जाए तो आपसे आपकी बॉलिंग में फर्क दिखता है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बॉलिंग एक्शन के, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसकी ड्रिल्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है बॉलिंग एक्शन। उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइज होती है शोल्डर्स की, वो आपको करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बॉलिंग आपको लॉन्ग डिस्टेंस से करनी चाहिए, यूजेज ऑफ हैवी बॉल और रनअप, क्योंकि रनअप एक फास्ट बॉलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो रिदम ही वहां से जनरेट करता है, ठीक है। तो मैं आस्ते आस्ते सब चीजें डिस्कस करता हूं। तो अगर चैनल पर नए हो तो यू नो लाइक कर देना वीडियो को, और यूट्यूब का मैंने बताया था कल, क्रिकेट विद मुझे जाकर लिखो यूट्यूब पर और सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉडी एक्शन। कोशिश करूंगा कि बोर्ड में नहीं ज्यादातर आपको इसलिए समझाऊं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। बॉडी कोलैप्स हो जाना बॉलिंग एक्शन में, अगर आपकी पेस कम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम इन में से भी हो सकती है कि आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, आपकी नी, उसमें नी कोलैप्सिंग होती है, ठीक है। नॉन बॉलिंग आर्म, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फास्ट बॉलर्स के लिए। फिर जंपिंग, जब आप जंप करते हैं बिफोर रनअप, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिप रोटेशन, उसका भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं वो आपने जो है ना जहन में रखनी है, और उसके बाद ये ड्रिल्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इसको क्या चीज़ें हैं। जो एक्शन है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साइड आर्म एक्शन है या फ्रंट आर्म एक्शन है, आपकी हिप की रोटेशन ये बहुत मैटर करती है। हिप रोटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आपकी कोर से ही सारा कुछ आपकी पेस जनरेट होगी। अब कुछ बॉलर होते हैं जिनकी बॉडी मोस्टली जो है ना, मेरी भी बॉडी कोलैप्स करती थी, ठीक है, कि बॉडी आपकी कोलैप्स होती है। कोलैप्स होने का मतलब है कि आपकी बॉडी ऐसे है, ठीक है, अब आपका जो हेड है ना वो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है ना, आपकी बॉडी इस तरह होती है और जो आर्म है वो बाहर से आया होता है, ठीक है। बॉडी का सर जिसे कहते हैं ना, सर कहते हैं तेरा सर जो है जा रहा है, तो सर को आपने इस तरह नहीं कराना या ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आप अपनी बॉलिंग की वीडियो बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका अक्सर हेड इधर गिर रहा है, आपका हेड फॉल हो रहा है, इसको फॉल हो। अब देखिए मेरी हेड इधर है, मेरी जो इसकी पावर है वो सारी खराब हो रही है, इसके यानी एक 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 लाइन में नहीं है। और दूसरा ये कि आपकी इस एरिया में ना, ये जो लोअर बैक है, ये वाला एरिया, इस पे बहुत स्ट्रेन पड़ेगा। इसी तरह का लेफ्ट आर्मर है तो उसका भी यही चक्कर होगा कि उसको इधर फील होगा पेन, ठीक है। तो इसकी ड्रिल आपने स्लो, क्योंकि हम एक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे, एकदम ही आपको यार तू सही एक्शन कर, तू इतना लैग नहीं आंडे यार, ठीक है, वो ऐसे नहीं होता। उसको आप बताएं स्लोली एंड स्टडली, अगर छोटा बच्चा है या लड़का है या एक लेवल होता है प्लेयर का, उसको बायो मैकेनिक्स बेसिकली जो है ना, आपको अपने बायो मैकेनिक्स पे वर्क करना पड़ता है। बायो मैकेनिक्स क्या है, अब एकदम आपकी ये चीज़ सेटल डाउन नहीं होगी, आपको मसल मेमोरी में लाना पड़ेगा अपनी, क्या मेरा बॉलिंग एक्शन ये चीज़ गलत आ रही है, मैं इस पर वर्कआउट करूँगा। तो फिर एकदम सब चीज़ों पर वर्कआउट ना करना। तो बॉडी कोलैप्सिंग के लिए जो एक्सरसाइज होती है मोस्टली, वो फॉर एग्जाम्पल आप नॉन बॉलिंग आर्म या साइड आर्म है, ठीक है, अब आप ये चेक करना कि ये मैं बॉल कर रहा हूँ, मेरी बॉडी गिर रही है, आपने इसको बचाने के लिए अपनी हिप रोटेशन, ये जो हिप है ना, ये जो कोर एरिया आपका, ये कोर एरिया आपका ये, ठीक है, ये कोर एरिया आपका ये होगा। अभी चेक करना मेरे बॉलिंग आर्म है, शायद मुझे वीडियो में नहीं नजर आ रहा, अब मैं हिप रोटेशन करता हूँ ना, ये हिप रोटेशन ये, ठीक है, हिप रोटेशन ये, तो मेरा बॉलिंग आर्म सीधा हो जाएगा, हेड भी सीधा हो जाएगा। तो ये बॉलिंग आर्म को ये वाली चेक करें आप, ठीक है, आपने हिप रोटेट करनी है जब आप बॉलिंग एक्शन करने लगेंगे, यानी आप बॉल डिलीवर करने लगे ना, तो आपकी हिप रोटेशन, ये हिप रोटेशन, आपकी हिप रोटेशन सीधी होगी, आपको बॉलिंग आर्म सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये आया, ठीक है, ये स्लो स्लो करके हिप रोटेशन और ये, ठीक है, इससे आपका बॉडी सीधी गिरेगी और एक लाइन में आप रहेंगे। अब हो सकता है मेरी ड्रिल ना सही होती है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिप रोटेशन ये, ठीक है, हिप ये फ्रंट, इसकी आपने ड्रिल करनी है, ठीक है। बॉल ले लो, सामने एक पार्टनर खड़ा कर लो जंगले पे, ठीक है, एक्शन लाओ, एक्शन ला के ये, अक्सर आपने देखा होगा अपने एरियाज में कि बॉलर बॉल कर रहे होते हैं, यार मैं कर ही जाऊँ कर ही जाऊँ, लेकिन उसको ये बताएं कि अपनी जो हिप रोटेशन है ना ये सही रखे बॉल करते वक्त। ये देखें मैंने एक्शन को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, स्लो स्लो हम एक पे वर्क करेंगे, आप इन चीज़ों पर वर्क करें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा, ठीक है। अपने बायो मैकेनिक्स आया, बॉल किया, ये हिप रोटेशन ये, इसको आदत बना लीजिए हिप रोटेशन को फ्रंट वाली, आपको बॉलिंग आर्म सीधा रहेगा, बॉलिंग आर्म सीधा रहेगा, आपकी बॉडी एक लाइन पर रहेगी, आपको आपकी पेस में डिफरेंस होगा, ठीक है। एक तो ड्रिल ये होगी, और इस ड्रिल में भी है कि अगर आप इन अपनी नीज को, एक तो नी कोलैप्सिंग लिखा ना, नी कोलैप्सिंग से बचत रखनी है, अपनी फ्रंट जो नॉन क्या कहते हैं लेफ्ट, अगर राइट आर्म है तो आपकी लेफ्ट लेग फ्रंट पे होगी, तो इसको आप बेशक इस तरह रख सकते हैं, ये एक्शन स्टार्ट किया, ये एक्शन स्टार्ट किया, लाया ये, इसको ब्रेस रखना है, ब्रेस यानी इसको कोलैप्स नहीं होने देना, ये नी कोलैप्सिंग है, इसकी नी कोलैप्सिंग नहीं होनी चाहिए अगर आप तेज बॉलर है ये, ठीक है, आपकी ये लाया ब्रेस हो गया, लेफ्ट आर्म में भी आपने इसको भी टक करना है, क्योंकि नॉन बॉलिंग आर्म को मैंने बताया हुआ, ठीक है, वो भी ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद पिछला जो लैंडिंग है, बैकफुट की लैंडिंग, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर बैक से आया, इसको ब्रेस किया, फ्रंट लेग को ब्रेस किया, हिप को रोटेट किया, और ये अब इसको आपने
माइंड में रख के आपने करना है, ठीक है। ये एक्शन, ये लोड अप है, ठीक है, ये चेक कर लें, ये मैं लोड कर रहा हूँ, ठीक है, लोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लोडिंग होगी फिर आप पावर सही जनरेट करेंगे, ठीक है। ये आपकी लोडिंग हो रही है, आप एक्शन से जंप से दौड़ कर आए, आपने लोडिंग की, लोडिंग के दौरान फिर आपका ये फ्रंट लेग, ये फ्रंट आर्म, ठीक है, साइड से देखें, ये लोडिंग, जंप मारा, फ्रंट लेग ब्रेस्ट, ये टक हो गया, ठीक है, हिप रोटेशन सामने, और ये इसको स्लोली स्लोली ड्रिल करें आप, ठीक है। ये आपने ड्रिल करनी है नेट्स पर जाकर, ताकि आपकी एक मोमेंटम बने, ठीक है। एक चीज़ ये होगी, दूसरी जो ड्रिल होती है बॉडी को अक्सर स्ट्रेट रखने के लिए, वही होता है कि आप अगर राइट आर्म बॉलर हैं तो आपका लेफ्ट लेग फ्रंट पे हो और आप ये करते रहें, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, हेड सामने, ठीक है, हेड फॉरवर्ड जा रहा है, हेड ऐसे नहीं करना, ठीक है, हेड ये रहा, लोड रखा, ये लोड रखा, ये, ठीक है, इसमें आपकी बॉडी ये सामने रहेगी, ठीक हो गया। एक ये ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ड्रिल्स आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो और दूसरा, आपकी जो जंप होता है ना, जंप आपका फॉरवर्ड होना चाहिए, जंप लेना जरूरी होता है, कई लोग जंप नहीं लेते एक्शन से पहले, ठीक है, कई लोग जंप नहीं लेते, उनके एक्शन के दौरान जंप नहीं होता, तो कोशिश करें जंप आपका हो। अक्सर आपने ग्राउंड मेन सारे वर्कआउट दिखाऊंगा ग्राउंड में, इतनी हाइट पे, तकरीबन 1 फीट की हाइट पे या थोड़ा सा नीचे, डिपेंड करता है, आपने भागना और जंप लेनी होती है उसके ऊपर, लेकिन जंप होना चाहिए आपका फॉरवर्ड, ना के ऊपर, ठीक है। दो तरह के जंप लेते हैं, कुछ तो बहुत ही ऊपर उठ जाते हैं, तो अगर राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं तो आप लेफ्ट लेग से जंप लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसकी ड्रिल है कि आप एक रखें, एक कौन सी रख लें या कुछ वो बार होता है ना, उस बार को रखें और उससे आप जंप लें, लेकिन जंप आपका फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है, जंप आपका फॉरवर्ड होना चाहिए टुवर्ड्स द बैट्समैन, टुवर्ड्स द स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया। और हिप रोटेशन का मैंने आपको बता दिया, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रिल है ना, शोल्डर एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ये शोल्डर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और दूसरा ये कि शोल्डर, अगर फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आपने वार्म अप प्रॉपर किया हो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इंजरी ज़्यादा भी शोल्डर की होगी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके लिए भी आपके पास ईंटें पड़ी हैं, बारबल्स पड़े हैं, डबल पड़े हैं, उसको उठाएं और ये शोल्डर प्रेस, ये आपका शोल्डर प्रेस होना चाहिए, ठीक है। एक रोटेटर कफ होता है, ठीक है, वेट उठाएं और आपकी ये रोटेटर कफ है, इसकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है, ये वाली, अगर आप वेट उठा के करते हैं, ओके ओके। और इसके अलावा आपका यूजेज, हैवी बॉल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अक्सर हैवी बॉल्स बनाते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, ठीक है, जो मेरा मैन्युफैक्चरर, मैं उसे कहूंगा कि अगर हैवी बॉल्स उसके पास है नहीं है तो मैं इंशाल्लाह वो आपको कमेंट सेक्शन में वो भी बता दूंगा। तो ये चंद चीज़ें, इसके अलावा आपने बॉलिंग, अपने बायो मैकेनिक्स, मैं आपको बायो मैकेनिक्स का कुछ बता रहा हूँ, चंद पॉइंट्स ये जरूर जाकर देखना, अपनी बॉलिंग की वीडियो बनवानी है किसी पार्टनर से और उसको चेक आपने मुझे भेजनी है, वीडियो मुझे भेजना भी, ठीक है, मुझे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा चेकआउट करूँ, खुद भी आपने स्लो मोशन में जाकर चेक करना है कि मेरा आया कि जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये इधर टक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि होता है ना नॉन बॉलिंग आर्म ये वाला, ये बिल्कुल ढीला हो जाता है, उसकी वजह से भी पेस लूज हो जाती है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, नॉन बॉलिंग आर्म का रुक जाना, जंप सही ना आना, बैक फुट की लैंडिंग सही ना होना, हिप की रोटेशन ना होना, हेड का फॉल कर जाना, कोलैप्स हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एक फास्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। क्रिकेट है भाई, जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे, फास्ट बॉलिंग बहुत टफ काम होता है, जिस तरह बैटिंग एक टफ काम है इसी तरह फास्ट बॉलिंग, क्योंकि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हूँ, बेसिकली मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने 11 किया, कोचिंग कोर्स किया, तो मैं आपको बेसिक ड्रिल बता रहा हूँ। फिर इसके अलावा अब जिस तरह बैट्समैन होते हैं ना, अब बैट्समैन छोटे डिस्टेंस से प्रैक्टिस करते हैं अपनी रिफ्लेक्सेस के लिए, ठीक है, लेकिन फास्ट बॉलर को अपनी पेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अक्सर होती ना पेस नहीं बढ़ी, एक तो चीज़ आपको बताया हैवी बॉल का यूजेज करें फर्स्ट थिंग, और दूसरी चीज़ ये, अगर ये चीज़ नहीं है तो देन आप उसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा कर लें, थोड़ा सा डिस्टेंस लंबा करेगा तो अब आपको पता है डिस्टेंस दूर है, अब आपको और पेस जनरेट करनी पड़ेगी बैट्समैन तक बॉल पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह भी आप अपने फास्ट बॉलिंग को कर सकते हैं। बाकी रनअप है, इंशाल्लाह रनअप भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, कुछ बॉलर्स साइड से भागकर आते हैं जो आउट स्विंग वगैरह करते हैं, ठीक है, ये बॉलर्स हैं, कुछ लोग स्ट्रेट लाइन में भागते हैं और कुछ लोग, क्योंकि मेन जो फास्ट बॉलिंग का होता है ना वो रिदम होता है, आपको कई बॉलर एकदम स्टार्ट तेजी से ले लेते हैं, कई बॉलर वॉक करके जाते हैं, तो डिपेंड करता है आपके अपने पर, लेकिन मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, मेन चीज़ डिस्कस करने वाली है कि जब आप भाग कर आ रहे होते हैं ना तो आने से पहले कुछ बॉलर ऐसे छोटे छोटे कदमों से कर लेते हैं, वो क्या होता है कि वो जो पीछे से भाग कर आए होते हैं वो सारे के सारा मोमेंटम टूट जाता है, तो उस सारे मोमेंटम को लेकर, ठीक है, उस सारे मोमेंटम को लेकर बॉलिंग एक्शन और फॉलो थ्रू तक हमें ये यानी उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना होता है, कहीं भी आपका मोमेंटम टूटा तो आपकी पेस भी गिर जाएगी, आपकी लाइन भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि रनअप आप एक ही लाइन में भागें, ठीक है, रुके मत, उसकी भी डिटेल होती है कि कौन से प्लेस करते हैं, आपने कौन से अंदर भागना होता है, ठीक है, वो भागते जाए ताकि आपका रिदम मत टूटे, और आगे एक रखते हैं वो बार, यानी आप कौन से अंदर भाग रहे हैं और वो बाहर आया, बाहर से जंप ली, हिप रोटेशन की, नॉन बॉलिंग अपना रखा टुवर्ड्स द बैट्समैन, परफेक्ट, ठीक है, इससे ये होगा कि आप एक ही लाइन में भाग रहे हैं और टुवर्ड्स द बैट्समैन भाग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है ग्राउंड में, स्पॉट और टारगेट बॉलिंग, ये अगला केस आया था कि यार मैंने किस जगह बॉल करनी है, यानी विकेट पे बैट्समैन को कहाँ पे बॉल मैंने करनी है, तो उसके लिए अगर आपको बॉलिंग एक्शन डेवलप हुआ, ऐसा कुछ डेवलप हुआ तो एक स्पॉट रख लें गुड लाइन पे और उधर बॉलिंग करते जाएं, इससे भी आपकी हो जाएगी। बाकी स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, उसकी क्या ग्रिप्स हैं, चला वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बेसिक्स थी कि आप ये बेसिक ड्रिल्स वगैरह करें। स्किपिंग, इसमें एक चीज़ मिस कर दी थी, स्किपिंग स्ट्रॉन्ग कर्व्स के लिए, यानी आपकी जो ये पिंडली है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ये जो हिस्सा है ये आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फास्ट बॉलर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी लेग्स, आपकी ये थाइस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हिप्स वगैरह, ये डाउन एरिया आपका सही स्ट्रॉन्ग हो, एटलीस्ट कर्व्स आपके सही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, यानी बिल्डअप होने चाहिए, उससे यह कि आपको जब लैंडिंग करते हैं आपकी लैंडिंग सही स्ट्रॉन्ग लैंडिंग होनी चाहिए, इसको भी कोलैप्स ज़्यादा नहीं करना, अब बॉलिंग करते हुए इसका भी कोलैप्सिंग हो गया तो सारा जो है ना वो जो मोमेंटम है और फोर्स वो सारी खराब हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्किपिंग आप किया करें, वो आप अक्सर देखा होगा वो जो फ्रंट फ्रंट करते हैं वाली रो के साथ, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स पे काम करना, शोल्डर एक्सरसाइज करना, स्किपिंग करना, लॉन्ग डिस्टेंस से बॉल करना, स्पॉट रन, स्ट्रेट लाइन और स्प्रिंट्स इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंटिंग भी किया करो लेकिन एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही लाइन में। तो ये सब चीज़ें, बॉलिंग छोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बॉलिंग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं जिन पर वर्कआउट करना, ये एक दिन या एक वीडियो में पूरा नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोशिश मैंने पूरी की है कि जो जो पॉइंट्स है वो आपको बताऊँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।